तो गाइस क्या कल होने वाले स्मैकडाउन में ऑफिशियल तौर पे गाइस क्या हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है डीमन फिन बैलर का, और गाइस क्या डीमन फिन बैलर रिटर्न करके और गाइस क्या वो अटैक करने वाले हैं हेड ऑफ द टेबल एंड करेंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस पे कल होने वाले स्मैकडाउन में। तो गाइस आज की शूट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। चलिए सेलिब्रेट को शुरू करते हैं। अब देखो भाई, आपको तो मालूम हुआ कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें फिन बैलर का आप कह सकते हो गाइस कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, जहां पे गाइस फिन बैलर आके सबसे पहले चैलेंज करते हैं रोमन रेंज को। रोमन रेंज उनके चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन गाइस अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि रोमन रेंज को फिन बैलर कहां पे फेस करने वाले हैं, समर स्लैम में या नॉर्मल से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। यानी गाइस ऐसा हो सकता है कि अगर कल के स्मैकडाउन में फिन बैलर वर्सेज रोमन रेंज का मैच होता है तो गाइस ऐसा हो सकता है कि WWE प्लान बना सकती है कि हमें डीमन फिन बैलर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहां पे गाइस कुछ भी कहना मुश्किल है कि अगर फिन बैलर का मैच होता है तो हम लोग आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि डीमन फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंज का मैच देखने को मिल सकता है। नहीं तो गाइस ऐसा हो सकता है कि डीमन फिन बैलर रिटर्न आके और कन्फ्रंट भी कर सकते हैं रोमन रेंज को। तो गाइस कल के स्मैकडाउन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि WWE किस प्रकार से बुकिंग करती है रोमन रेंज और फिन बैलर की स्टोरी लाइन को। तो गाइस अभी कुछ यही रूमर्स आ रहे थे कि जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। बाकी गाइस कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप मुझे जाके बता सकते हो कि इसके बारे में आपको क्या कहना है और क्या सोचना है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।